तो दोस्तों 2 मिनट में एक सही प्रोडक्ट को आप अमेजन फ्लिपकार्ट से कैसे परचेस कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो उस गलती को भी दोस्तों आप यहां पे सुधार सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप यहां पे कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, मान लीजिए कि अगर मुझे कोई मोबाइल को परचेस करना है तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मोबाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूं, ऑल मोबाइल में यहां पर जाता हूं। देन उसके बाद आपको यहां पर काफी सारे यहां पर मोबाइल देखने को मिल जाते हैं। अब होता है क्या कि इस मोबाइल में आपको काफी सारे ऑफर देखने मिलते हैं पर आपको यह पता नहीं चलता है कि कौन सा मोबाइल कब यहां पे लॉन्च हुआ था। और गलती से आप क्या करते हैं कि पुराने मोबाइल अगर परचेस कर लेते हैं और उसमें अगर सॉफ्टवेयर का अपडेट सिर्फ 5 महीना 6 महीना या 1 साल बचा हुआ है तो क्या होता है कि आपका जो पेमेंट होता है वो वेस्ट में चला जाता है। तो सबसे पहले तो जो भी प्रोडक्ट अगर आप परचेस कर रहे हैं उस पर अगर आप यहां पर क्लिक कीजिएगा, जैसे मान लीजिए इस पर मैं यहां पर क्लिक कर देता हूं और क्लिक करने बाद आपको यह प्रोडक्ट देख मिलेगा, स्पेसिफिकेशन आपने यहां पर सब कुछ देख लिया, आपको सब कुछ यहां पर पसंद आया। देन उसके बाद आपको यहां पर कूपन देख मिलेगा, कूपन को सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए 13,999 आपको प्राइस देखने में मिला, अगर कोई कूपन है तो इस कूपन को आपको नहीं छोड़ना है। अगर कूपन को छोड़ दीजिएगा तो 500 रुपया का आपको नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले कूपन को अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो इसमें 500 रुपया दोस्तों आपको यहां पे माइनस हो जाएगा। और ये माइनस होने के बाद उसके बाद आपको यहां पे देख लेना है कि जो भी प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हैं वो कब दोस्तों यहां पे लॉन्च हुआ था। उसको देखने के लिए अगर आप नीचे में जाइएगा तो नीचे में जाने के बाद आपको यहां पे देखिए एक ऑप्शन देखने मिलेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन का। तो अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल में एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो स्पेसिफिकेशन आप देखिएगा तो उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाइएगा तो यहां पे डेट ऑफ फर्स्ट अवेलेबल का ऑप्शन मिलेगा और ये देख सकते हैं 21 मई 2024 यहां पे बता रहा है। तो ये लगभग जनवरी फरवरी में लॉन्च हुआ था और मई में दोस्तों यहां पर अवेलेबल करवाया गया था। तो इस प्रकार से आपको मोबाइल पता चल जाएगा कि कौन सा मोबाइल कहां पर लॉन्च हुआ था और किस समय यहां पर लॉन्च हुआ था। मान लीजिए कि कोई पुराना मोबाइल अगर मैं यहां पर आपको सर्च करके दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए कि ये मॉडल मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है और इस पे दोस्तों जैसे मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं, क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद आपको प्राइस देखने मिलेगा और इसका अगर ईयर मुझे देखना है तो नीचे में जैसे मैं जाता हूं तो जाने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे और भी नीचे आप जाइएगा तो डेट ऑफ फर्स्ट अवेलेबल इसका दिख रहा है 17 मई 2022। तो ये आप यहां पे देख सकते हैं 2-3 साल पुराना ये मोबाइल है और अगर आप इस गलती से परचेस कर ले तो उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर का अपडेट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो इस चीज को दोस्तों आपको यहां पे सुधार करना है। दूसरा चीज आपको यह सुधार करना है कि मान लीजिए कि कोई नया मोबाइल ही अगर आप परचेस कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि वो मोबाइल कैसा परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिव्यू वाले सेक्शन में जाना है। तो चलिए मैं यहां पे रिव्यू वाले सेक्शन में जाऊंगा तो आपको यहां पे काफी सारे रिव्यू देखने मिल जाते हैं। अब आपको यहां पे क्या करना है, जो करंट का रिव्यू होता है उसको आपको यहां पे देख लेना है। होता है क्या कि पुराना जो भी रिव्यू होता है जिसमें अगर कोई नेगेटिव कमेंट किया गया है उसको क्या किया जाता है, यहां से रिमूव कर दिया जाता है। तो जो करंट का कमेंट होगा उसको आपको यहां पे पढ़ना है। तो आप टॉप रिव्यू वाला जो ऑप्शन हो रहा है इस पर क्लिक करें और मोस्ट रिसेंट वाले ऑप्शन पे आप यहां पे जाए। देन उसके बाद आप यहां पे रिव्यू पढ़ सकते हैं कि कैसा ये मोबाइल देखने मिलता है। तो अगर आप देखें तो उसमें आपको कुछ ऐसे रिव्यू है जिसमें आपको नेगेटिव कमेंट आपको करंट में यहां पर देखने मिल जाते हैं। तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि मोबाइल में क्या प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। तो ये आपको यहां पर कर लेना। उसके अलावा चलिए पेमेंट के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कोई प्रोडक्ट को मैं यहां पे क्या करता हूं, प्रोडक्ट को एक मैं यहां पे सिलेक्ट करूंगा और उसमें भी आपको क्या करना है, मान लीजिए कि अगर मुझे कोई सेल्फी स्टिक अगर परचेस करना है तो मान मैं यहां पे लिखता हूं सेल्फी स्टिक ट्राइपोड। ये लिखने के बाद दोस्तों मैं इसको यहां पे सर्च कर लेता हूं। जैसे आप यहां पे डालिएगा तो काफी सारे आपको यहां पे मॉडल देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहां पे देख लेना है जो भी मॉडल आपको यहां पे दिख रहा है उसका कैटेगरी आपको यहां पे देखने मिलेगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक एसोसरीज ब्रांड देखने मिलेगा। सबसे पहले कोई ब्रांड अगर परचेस करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहां पर क्या करता हूं, मेड फॉर अमेजन को यहां पर सिलेक्ट कर लेता हूं। ये करने के बाद आपको यहां पर रिव्यू देखने मिलेगा, तो 4 स्टार का रिव्यू भी दोस्तों आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको काफी सारे यहां पर ब्रांड देखने को मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं ये काफी सारे यहां पे ब्रांड देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए इसमें मैं क्या करता हूं, एक प्रोडक्ट को दोस्तों यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं। देख सकते हैं एक प्रोडक्ट यहां पे देखने मिल रहा है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है, इस पे दोस्तों आपको यहां पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने बाद अब होता है क्या कि अगर आप यहाँ पे स्क्रीन में कोई फोटो देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट देखने में मिले हैं वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे रिसीव ना हो। तो इसके लिए क्या करना है, नीचे में आप जाइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको वेरियंट देख मिलेगा। तो जब भी प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से वेरियंट को दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट कर लीजिएगा तो जो प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं वही प्रोडक्ट दोस्तों आपको यहाँ पे रिसीव होगा। देन उसके बाद आप नीचे में जाए और नीचे में जाने के बाद दोस्तों इसको आपको एड टू कार्ट कर लेना है। तो यहां पे देखिए एड टू कार्ट का ऑप्शन मिल रहा है और आपको यहां पे क्या करना है, इसको एड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है।
तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एड टू कार्ड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। देन यहाँ पे गो टू कार्ड वाले ऑप्शन पे दोस्तों मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। गो टू कार्ड वाले ऑप्शन में जाइएगा तो ये प्राइस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये प्राइस आपको देखने मिल रहा है। देन आपको क्या करना है, प्रोसीड टू बाय वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और इस पे दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको एड्रेस देखने मिलेगा। एड्रेस आप यहाँ पे अपना अगर अपडेट करना है तो एड्रेस आप यहाँ पे अपडेट कर लीजिएगा। देन उसके बाद यूज दिस एड्रेस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन इस पे दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है, डिलीवरी एड्रेस आपको यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो आइटम मिल रहा है प्रमोशन अप्लाई करने के बाद, दोस्तों ये अब पड़ रहा है मुझे 855 रुपया, 900 यहाँ पे 50 रुपया शो हो रहा था। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लीजिए कि अगर कोई क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में कोई डिस्काउंट मिल रहा है और वो क्रेडिट डेबिट कार्ड बैंक का आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पे अमेजन पे यूपीआई यूज करना है। क्यों करना है, क्योंकि अगर आप अमेजन पे यूपीआई यहाँ पे यूज कीजिएगा तो जो भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उसमें 100 रुपया का कैशबैक आपको हमेशा मिलते रहेगा। तो आपको क्या करना है, ज्यादा यूज नहीं करना है, पहले से गूगल पे फोन पे या अगर कुछ यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपको बैंक अकाउंट को अमेजन पे यूपीआई में एड कर लीजिएगा। तो वही आपका पासवर्ड रहेगा, वही पिन रहेगा, सिर्फ बैंक आपका दोस्तों वहां पे लिंक हो जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना, तो मैं यहाँ पे अमेजन पे यूपीआई को एड कर लेते हैं, आपको अदर यूपीआई एप्स का ऑप्शन मिलेगा। देन दोस्तों उसके बाद जो मेरा अमेजन पे यूपीआई आईडी है उसको मैं यहाँ पे फिलअप करूंगा, देन वेरीफाई कर लेता हूँ। अमेजन पे यूपीआई का जो आईडी है उसको यहाँ पे डाल लिया है, डालने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। देन ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब वेरीफाई होने के बाद दोस्तों यूज दिस पेमेंट मेथड का ऑप्शन मिलेगा और इस ऑप्शन पे दोस्तों आपको क्या करना है, क्लिक कर देना। ये ऑप्शन यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, इस ऑप्शन पे दोस्तों आप क्या करें, क्लिक कर दे। और जैसे दोस्तों क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने बाद यहाँ पे प्लेस योर ऑर्डर एंड पे वाला ऑप्शन देखने मिलेगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस योर ऑर्डर एंड पे वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है और वेट करने के बाद अमेजन पे यूपीआई में आपका यहाँ पे आप वेरिफिकेशन देखने मिलेगा, आपको वहां पे पेमेंट कर लेना। तो चलिए पेमेंट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पेमेंट कर लिया है और कुछ देर में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें पेमेंट का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पेमेंट दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और मैंने यहाँ पे पेमेंट कर लिया है। देन उसके बाद आप यहाँ पे जैसे आपके पास डिलीवर हो जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, तो 100 रुपया का आपको कैशबैक और यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से एक सही प्रोडक्ट आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते समय यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा।